आप देख रहे हैं हमारा अलकरम एजुकेशन चैनल, यू आर वॉचिंग अलकरम एजुकेशन चैनल, जिसमें आपको एजुकेशन से मुतालिक हर किस्म की मालूमात दी जाती हैं। तो चैनल शुरू करने से पहले वो तमाम स्टूडेंट्स जो हमारे इस चैनल के साथ जुड़े हैं या जुड़ने वाले हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप दोबारा से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कुछ इशू हो गया था चैनल में, जो स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब किया हुआ था वो डिलीट हो गया हुआ है, इसलिए आप उसको दोबारा से सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जब भी नई वीडियोज़ आएगी उसकी आपको अपडेट्स मिलेंगे। फिर आपको बता रहे हैं कि जल्दी से आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि जब भी नई वीडियोज़ आए तो आपको इसकी जो है नोटिफिकेशन मिल सके। तो हमारे पास जो रिक्वेस्ट आई थी वो ये थी कि हमें इंपॉर्टेंट वीडियोज़ बता दी जाए, ऐसे तो हमने बता दिए, अब हम आपको जो है ये उसके बारे में बताते हैं कि इंपॉर्टेंट इडियम्स कौन कौन से हैं। आपको खाली जो है ना वो वर्डिंग और मतलब बताते हैं, बाकी तो आपके पास ग्रामर होगी, वो इजीली आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, और वैसे भी अगर आपको मतलब समझ आते सेंटेंस बनाना जो है मुश्किल काम नहीं होता। ठीक है, ब्लाइंड एली, इसका मतलब होता है मतलब भी साथ बता दें, फिर आपके और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। एट हैंड, करीब, ब्लू स्ट्रोकिंग, ये सारे अहम इडियम्स हैं आपके। अदीब औरत, ठीक है, जब आपके इडियम्स हो जाएंगे सारे फिर वो हम आपको ट्रिक बताएंगे कि फर्स्ट करें अगर कोई ऐसा जुमला आ जाए जो आपको ना आता हो तो उसमें हम कौन सा सेंटेंस पुट करेंगे। उसके बाद है अबोन ऑफ कॉन्टेंशन, लड़ाई की वजह। उसके बाद है फाइव पे फार क्राई फ्रॉम, इसका मतलब होता है वसी फर्क। सिक्स अ मैन ऑफ लेटर्स, आलम। सेवन एन एक्स टू ग्रैंड, अपना मतलब निकालना। उसके बाद है आठवां आइडियम्स है एट द अलेवेंथ और एन वक्त पर। आप तक करें जो आप आइडियम्स दिए जा रहे हैं तो साथ साथ ही आप तैयार करना शुरू करें, चाहे वो 20 है 25 है, इस तरह आपकी तैयारी भी साथ साथ हो जाएगी। ठीक है, तो एक दफा फिर शुरू से आपको दिखाते हैं। अ ब्लाइंड एरी, एट हैंड, अ ब्लू स्ट्रोकिंग, अ बॉल ऑफ कॉन्टेक्शन, अ फार क्राई फ्रॉम, अ मैन ऑफ लेटर, एन एक्स टू ग्रैंड, एट द अलेवंथ आर। ठीक है, ये आइडियाज आपके कितने होंगे, आठ। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों ने उतार लिए होंगे या इसकी स्क्रीन शॉट ले लें, जो भी आपको ईजी लगे वो आप कर लें। ठीक है, ईजी हैं, बड़े ईजी तरीके से आपने याद करने। उसके बाद है नौवां आपके पास आता है अ मीडियम स्पीच। मीडियम स्पीच वो फर्स्ट आपकी जो बातचीत या जो तकरीर होती है उसको कहते हैं। उसके बाद है रोलिंग स्टोन, एक जगह पर ना रहने वाला। अक्सर होता है ना कि लोग एक जगह पे टिकते हैं, बार बार अपनी जगह पर रहते हैं, उनके लिए हम आर इस्तेमाल करते हैं रोलिंग स्टोन। ठीक है, उसके बाद आपके पास है रेड लेटर डे। रेड लेटर डे कहते हैं खुशी के दिन को। उसके बाद आपके पास है अ डार्क हाउस, ये सारे इंपॉर्टेंट आइडियम्स आपके। छुपा रुस्तम, ठीक है, उसके बाद 13 पे आ जाए अ ब्लैक शीप। ब्लैक शीप आप कहते हैं बुरे लोगों को। ठीक है, 14 पे आ जाए एट क्रॉस पर्पस, यानी इख्तलाफ होना। होता नहीं कि बास का आप एक जगह पे बात कर रहे हैं तो दो लोग एक बात कहते हैं लेकिन बाकी लोग जो है आपकी जो राय पे क्या करते हैं इख्तलाफात कर रहे होते हैं। तो ये कितने आइडियम्स हो गए, 14। अब 15 की तरफ आते हैं एट इंसल्ट टू इंजरी, ठीक है, मजीद बेइज्जती करना। स्पेलिंग देख लें जरी, ये जितने भी वीडियोस हैं आपको जो भी आप ग्रामर इस्तेमाल करते हैं ना उसमें आपको लाजमी हो जाएंगे। ठीक है, और वहाँ से इसी आप जो सेंटेंस को याद कर सकते हैं। तो एक बार भी दिखाते हैं मिडल स्पीच, ठीक है, रोलिंग स्टोन, रेड लेटर डे, डार्क हाउस, हाउस नहीं सॉरी हॉर्स है, ठीक है, अब ब्लैक शीप है, एट क्रॉस पर्पज है, एट इंसर्ट टू इंजरी। तो ये टोटल आपके कितने वीडियोज़ हो गए, 15 हो गए। तो आपने बस एक ही काम करना है कि इसकी फ़ौरन तैयारी शुरू कर दें,
क्योंकि जितने जितने आपको लिखवाए जाएंगे आप उसको तैयार करना है, जुमले याद करने हैं, 10 नंबर ही आपके, और 10 नंबर किसी बंदे को पास या फेल कर सकते हैं। तो आपने छोटे नंबर को भी ना इग्नोर नहीं करना, नंबर लेने हैं तो ये 10 नंबर आपके पक्के होने चाहिए। तो 15 निकले हो गए, उम्मीद है आप तो ठीक है। अब चलते हैं आगे, 16 idioms मेरे पास क्या है, एंड आई वॉश, सारे गेस मिलेंगे आपको इस तरह, ठीक है, टेंशन नहीं लिया आपने, नज़र का धोखा। उसके बाद है अ रोटन एग, खराब अंडे। आपको कोई भी सवाल वगैरह पूछना तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा ईमेल आईडी है yapok77@gmail.com के नाम से, वहाँ पर भी आप ईमेल आईडी करें, आपके सवालों का जवाब जरूर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 18 के बाद है ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का मतलब होता है बाख्तियार, जैसे कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादर है, ठीक है। 19 पे आ जाएँ, अ वेट ब्लैंकेट। कोई स्पेलिंग समझ वगैरह ना आ रही हो तो आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं। अ वेट ब्लैंकेट कहते हैं हौसला शिकनी, हौसला शिकन इंसान भी आप कह सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि आप कोई काम कर रहे हैं तो वो आपके अच्छे काम पर कीड़ा निकाल रहे हैं, यानी आपको डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए हम ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ये आपके कितने हो गए हैं 19। अब 20 की तरफ आते हैं, ऑल एट सी। ऑल एट सी कहते हैं परेशान होना। उसके बाद है 21, ठीक है, उम्मीद है नज़र आ ही रहा होगा आपको, ये 20 था और ये आपका 21 है। इसमें आपके पास क्या है, एट ड्रैगन्स ड्रोन। आपको ज़रा ज़्यादा करके बता दें, इसका फिर आपको समझ नहीं आनी, एट एट ड्रैगन्स है, ठीक है, ड्रैगन्स ड्रोन, इसका मतलब होता है जानी दुश्मन, ठीक है, जानी दुश्मन। उसके बाद 22 पे आ जाए, हमारे पास है एट होम इन, बाहर होना, ठीक है। उसके बाद 23 में मेरे पास है एट वंस विट, ये देखिए विट्स एंड, सख्त परेशान होना, ठीक है। अब एक दफ़ा रिपीट करवाते हैं, एंड आई वॉश आ रोटन एग ऑल इन ऑल आ वेट ब्लैक एंड, ठीक है, ये ई लिखा हुआ है वेट ना, ई लिखा हुआ है, ऑल एट सी एट ड्रैगन्स ड्रोन, ठीक है। अभी ड्रैगन्स ड्रोन का साथ मैंने लिख दिया, ये है असल में ड्रैगन्स, ये आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए ड्रोन, ठीक है। उसके बाद क्या, एट होम इन एट वंस विट एंड, ये आपके पास कितने हो गए टोटल, ये 23 हो गए, ठीक है। अब चलते हैं 24 की तरफ, 24 पे आपके पास है एट लार्ज। एट लार्ज आज़ाद होना, ठीक है, आज़ाद होना। आज़ाद होने के बाद आपके पास आ रहा है 25 में एन एप्पल ऑफ डिस कोर्ट, इसका मतलब था झगड़े की वजह। आप टेंशन ही नहीं लेनी एग्ज़ाम की, बहुत इजी हो गया तैयार करना है। तो बाकी जो सब्जेक्ट है उसके गेस्ट पेपर भी आपको ना प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, सिर्फ थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा। 25 हो गया, अब 26 पे आते हैं, एट वंस बिग एंड कॉल, किसी के हुक्म के ताबिया होना, यानी किसी ने आपको काम कह दिया करने के लिए तो आपने वो सब कर देना। उसके बाद है 27 मेरे पास आ रहा, ए मैन ऑफ स्ट्रॉ। अब मैन ऑफ स्ट्रॉ आप कहते हैं कमज़ोर आदमी जिसकी कोई हैसियत ना हो, ठीक है, कमज़ोर आदमी। 28 पे आते हैं, अ बेड ऑफ रोसेस। अब बेड ऑफ रोसेस आपकी होती है आरामदायक चीज़, और आप ही जानते हैं कि दुनिया में आपकी चीज़ें कोई भी आराम देनी है, क्योंकि अगर हम इस दुनिया की बात पर करें कि अगर इसमें आप वही कुछ मिलेगा आपको आखिर में जो आप दुनिया में बोएंगे, यानी दुनिया को आप समझें कि एक यहाँ पर आपने जहाद करना है, यानी अपने आप को हर किस्म की जो है बुराइयों और गुनाहों से बचाना है, और ये तकरीबन जहाद के बराबर है, ठीक है। उसके बाद क्या है, 29 की बात करें, 29 पे आ जाएँ, वो हमारे पास है अ हार्ट हार्ट नेट नट, ठीक है,
वाज किया करते थे अ हार्ड नट टू क्रैक, इसका मतलब होता है मुश्किल से हल होने वाला मसला, मुश्किल से हल होने वाला मसला, जैसे कि आपका मसला कश्मीर, ठीक है। उसके बाद मेरे पास है 30 पे मेरे पास आ रहा है अब बॉसम फ्रेंड। बॉसम फ्रेंड कहते हैं गहरी दोस्ती को। ये जी आज के आपके कितने idioms हो गए, फिर देखो पढ़ लेते हैं। एट लार्ज एन एपर ऑफ डिस्कॉर्ड, एट वंस स्पीक एंड कॉल, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, अ बेड ऑफ रोसेस, अ हार्ट नट टू क्रैक, अ बॉसम फ्रेंड। तो ये टोटल आपके कितने idioms हैं, 30 idioms हैं। आप लोगों ने क्या काम करना है, ये जितने आपको 30 idioms दिए हैं इसको साथ साथ तैयार करना शुरू कर दिए हैं, यानी इंपॉर्टेंट ही दे रहे हैं आपको, ठीक है। साथ साथ तैयार करने से क्या होगा कि आपकी तैयारी और प्रिपरेशन अच्छी होगी, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि जो भी वीडियोस आएंगी उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। फिर बता रहे हैं आपको, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस भी बात पर जोर दे रहे हैं कि जिन्होंने पहले सब्सक्राइब किया वो दोबारा से करें, क्योंकि वीडियो में कुछ इशू आ गया था और वो चैनल पे, जिसकी वजह से क्या है जिन्होंने सब्सक्राइब किया था वो उनके डिलीट हो गए। दोबारा से सब्सक्राइब करेंगे, नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए उसकी आपको जो है नोटिफिकेशन मिल सके। और एक और काम क्या करना है आप लोगों ने कि अपनी इस जो भी आप देख रहे हैं इस वीडियो में, इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, शेयर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।